24 किलोमीटर और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है सिर्फ 2 किलोमीटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम आपको लेके गए थे दुर्गियाना टेम्पल और उसके बाद हमने काकू डेरी की लस्सी पी थी। लस्सी पीने के बाद से अब हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर की तरफ और जैसे ही आप काकू डेरी से निकलेंगे उसके बाद आपको पड़ेगा ये सबसे बड़ा खालसा कॉलेज जो कि अमृतसर में है। और ये कॉलेज नहीं है, कॉलेज जैसा मतलब है तो कॉलेज लेकिन बिल्कुल महल जैसा लगता है और देखने में कोई भी नहीं कहेगा ये कॉलेज है, हमें तो बिल्कुल महल लग रहा था। इतना खूबसूरत और इतना बड़ा कॉलेज है ये, बहुत बड़ा कॉलेज है ये। और अब ये रोड जा रहा है वाघा की तरफ तो चलते हैं वाघा बॉर्डर। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है BSF का कैंट एरिया, पूरा का पूरा कैंट एरिया है, आप देख सकते हो। कैंट एरिया होता है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देखने में। मतलब कैंट एरिया में आते ही मुझे एकदम वो वाली फीलिंग आ जाती है, एकदम देशभक्ति वाली फीलिंग आ जाती है अंदर से। और ये वाली जो मूर्ति आप देख रहे हो महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति है ये, और इसके बिल्कुल ठीक सामने म्यूजियम भी है। ये वाला जो है ये म्यूजियम है। थोड़ा और आगे चलने के बाद अब हमें मिली हवेली, तो चलिए अब हवेली से अंदर से देखते हैं कि ये वाली हवेली अंदर से कैसे लगती है। ज़्यादातर रेड कलर में आपको दिखाई देंगी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इधर से रास्ता है क्या? हाँ है, इधर से रास्ता। ये कुआं जैसा बनाया हुआ है यहाँ पर, हमें कुआं बनाया होता है ऐसे ही कुआं बनाया हुआ है यहाँ पर। और ग्रीनरी इतनी अच्छी है यहाँ पे, कारपेट की तरह जो है बिल्कुल घास बिछी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। अगर खाना खाना है तो खाना खाने का उस तरफ है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आई थिंक शो वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। क्या लगा हुआ है, ये स्टेज वगैरह लगा हुआ है, शायद मैरिज गार्डन की तरह से यूज होते हैं ये वाले। फोटो खींच लो भैया, फोटो खींच लो भैया।
22 किलोमीटर है, लाहौर है 24 किलोमीटर और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है सिर्फ 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर है जो सीधा आप रोड देख रहे हो ना यहीं पर है। चलो सामने जो आपको दो पोल नजर आ रहे हैं यहीं पर इंडिया और पाकिस्तान का फ्लैग लगाया जाता है जो यहां से भी दिखेंगे आपको। जब आप वाघा बॉर्डर आओ तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लड़के आपके फ्लैग लगाने के लिए आएंगे। आपको लगेगा कि वो लोग फ्री में लगा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिना पूछे आपसे लगा देंगे और उसके बाद आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। इसलिए अगर आपको बनवाना है फ्लैग तो आप खुद से बनवा सकते हो या फिर उनसे पहले से ही पैसे की बात कर सकते हो, अदरवाइज़ वो आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज कर सकते हैं, एकदम से सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑटो को पार्क करने के बाद यहाँ पे हमारे ड्राइवर भाई साहब आगे आगे चल रहे हैं सरदार जी, और ये है एक छोटा सा लोकल मार्केट जो कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बिल्कुल ठीक सामने है, और यहाँ पे जो था वो गेट बंद है आगे जाने का, जहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी जो होती है तो वो रास्ता बंद है अभी, उसका कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है। ये है मेन गेट, ये वाली जो आप इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट देख रहे हो ना, यहाँ से जो भी दिल्ली से जो भी बसेस आती है ना, दिल्ली से पाकिस्तान की तरफ जो भी बसेस जाती है वो यहाँ से जाती हैं, तो ये है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, यहाँ से पाकिस्तान की जो भी बस होती है वो यहीं से जाती है। लेकिन अभी 17 महीने से ये जो वाघा बॉर्डर है ना ये बंद पड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी लोग नहीं देख पा रहे हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड आया हुआ है देखने के लिए, लेकिन गेट बंद होने की वजह से कोई नहीं जा सकता अंदर, वहाँ के उधर है उस तरफ साइड से जाना, उस तरफ है भाई साइड से जाना। वाघा बॉर्डर से निकलने के बाद अब हम चले राम तीरथ, और ये है राम तीरथ का पूरा रास्ता जो कि बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल खेत खलियान में से आप लोग निकल के जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है यहाँ का। चलिए आपको दिखाते हैं राम तीरथ। राम तीरथ है, राम तीरथ मंदिर, राम तीरथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता।
भी डालते हैं। और क्या, कैसा लग रहा है यहाँ मंदिर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, नई चीज़ देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। मंदिर वैसे और जगह से काफ़ी बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है वाल्मीकि जी का, माता सीता का। बहुत सुंदर है, बहुत शांति मिलती है। उधर देखो कितना सुंदर। मंदिर के बारे में कुछ बताओ, कब का है, कब से है और किसका मंदिर है ये? बहुत पुराना मंदिर है जी। अच्छा। इसका नाम राम तीर्थी बोलते हैं, लवकुश मंदिर बोलते हैं, वाल्मीकि तीर्थी बोलते हैं, तीन नाम से ये मंदिर पुकारा जाता है। अच्छा। जहाँ पे लवकुश का जन्म स्थान है और वाल्मीकि जी का आश्रम है। कब बना था ये? तो हमारे से पहले का बना, हजारों साल पुराना मंदिर बनाया जाता है, बोला जाता है। एक नया मंदिर सरोवर के बीच में, वो 14 में बना था, 2014 में। कंस्ट्रक्शन तो नया लग रहा है। वो जो नया मंदिर है ना, 2014 में हुआ था, जो प्राचीन मंदिर जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहाँ लवकुश का जन्म स्थान है। हाँ। जहाँ सीता माता कुटिया है, तो अभी तक प्राचीन मंदिर पुराना मंदिर है। ये वाला? ये कुछ मंदिर नए बने हैं, जो सरकार ने पैसा लगाया, 300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था। अच्छा। वो लगा के सरकार ने नया मंदिर ये उद्घाटन किया है। जो प्राचीन मंदिर है उसी तरह पुराना मंदिर है। एक नया मंदिर आएगा सरोवर के बीच में, उसके पीछे प्राचीन मंदिर है, वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम है, वहाँ सीता माता की कुटिया है, वहाँ घर बनते हैं। वो जब नया मंदिर देखो, उसके पीछे प्राचीन मंदिर आएगा, अंदर ही पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा। जो सामने तालाब आ गया, मंदिर आ गया, हनुमान जी का तालाब आ गया। हाँ। सामने एंट्री गेट आ गया। अच्छा। उसके आगे मंदिर आ जाएगा, वहाँ लवकुश ने जन्म लिया, सीता माता ने वास कटा और वाल्मीकि जी का आश्रम है। इधर माता जी लक्ष्मण जी, माता जी सीता माता जी इधर छोड़ के जाते हैं, फिर इधर ही माता जी वनवास काटते हैं वाल्मीकि जी के पास में, फिर इधर ही लव और कशु का जन्म होता है। जो राम जी समेत जाकर घोड़ा छोड़ते हैं, वो इधर लवकुश पकड़ते हैं, इधर युद्ध होता है राम जी का और लवकुश जी का। बाकी पूरा मंदिर देखो, अंदर घर बनाते हैं, ईंटों का घर बना के आते हैं,
ये धागा बांधते आते हैं। अच्छा, सब मंडी बना के आते हैं। हाँ, जिनके घर नहीं है वो घर बना के आते हैं। मन्नत मांगते हैं सीता माता जी हमें अपना घर दो, हम आपको घर दे के जा रहे हैं। अच्छा। तो घर बना के धागा बांध के आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा। जिनको बच्चों की मन्नत मांगते हैं वो बच्चों की मन्नत मांग के आते हैं। तो मन्नत पूरी होने पे बांधा जाते हैं धागा या धागा पहले बांध के आते हैं, जब मन्नत पूरी हो जाती है खोलने आने आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी दर्शन। जय श्री राम। मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही प्यारा मंदिर है, लव कुश का, राम सीता का मंदिर है ये। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। और वहाँ आप झूला देख रहे हो, जाइंट व्हील। उस पूरे जाइंट व्हील में ना सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, सौरभ, शिवानी और सिद्धि, और कोई नहीं बैठा पूरे जाइंट व्हील में। वो जो टॉप पर है ना, सबसे टॉप पर जो नीचे आ रहा है उसी में। अरे एक पूरे बड़े जाइंट व्हील में 3 पतरे सूखे से लोग दो ही थे। अब सब जगह घूमकर अब हम वापस लौट रहे हैं। राम तीर्थ से हम लोग निकल चुके हैं और अंधेरा होने ही वाला है कुछ देर में, और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। शाम को गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं डिनर करने। दान ऐसे मत करो, देख मेरी बात सुन, भाभी वाली है, बहन वाली है। हाँ मम्मा ऐसे मत करो। हाँ दान नहीं देना तो मुझे बोल दे, मैं वापस चली जाती हूँ। शाम के टाइम यहाँ घूमने में इतना अच्छा लगता है कि मतलब रौनक देखते ही बनती है। शाम के टाइम यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग जब हो जाती है ना, तो आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मन लगता है यहाँ पर घूमने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी भी यहाँ आकर बैटरी रिक्शा नहीं करती हूँ, हमेशा पैदल पैदल घूमती हूँ। अच्छी खासी वॉक भी हो जाती है और विंडो शॉपिंग भी हो जाती है, जो कि सबसे अच्छा लगता है हर लड़की को, विंडो शॉपिंग करना, है ना। डिनर करने आए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे आज फुल डे, बहुत ज़्यादा बिजी रहा था क्योंकि पूरी जगह घूमने गए थे। मेरे छाले हो रहे हैं यार, इस वजह से बोला नहीं जा रहा मेरे से। ऐसा लगा आप ही क्या बोल रहे हैं, ऑनियन लेना, आलू लेना है कि और मिक्स कुलचा? बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं आलू ना, बताया था मैंने आपको। तो इस वजह से यहाँ पर खाना खाने आ गए हैं। मैं तो खा नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा दही से खा लूँगा। बाकी ये लोग ने कुलचा ऑर्डर किया है, सरसों का साग खा रहे हैं। तो अभी पंजाबी ढाबा जो है उसके जो सामने वाला जो है ना, उसके सामने भी क्या ढाबा, ढाबे का क्या नाम है आपके? पंजाबी मिर्च मसाला पंजाबी ढाबा बैठे हैं। खाना कैसा है तो वो तो पता चलेगा, खाना कैसा खाने के बाद। तो इन्हें कुछ खाना नहीं है, ये मेरे में से टेस्ट करने वाले हैं। क्या मंगाया आपने अपने लिए? फॉर मिक्स कुलचा अपने लिए। अरे इन दोनों के लिए आलू कुलचा, बहुत चालू इंसान है। चार तराज होते हैं, चार तराज से एकदम पट्टे देने, इतने आलू, इतने ओनियन, इतने पनीर, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के निकल वो काम होना है। टॉस दिखा रही है अपनी ब्लॉग में, मैंने भी दिखाए थे। और ये बेकार के लोग फिर खाने आते हैं, ये बेकार के लोग खुद के लिए बोल रहे हैं, जो कैमरे में दिख रहे थे वो बेकार के लोग।
देखो दीदी मेरे लिए चूड़ा लेकर आई थी, मिर्ची ते मसाला। अरे मम्मी छोला भटूरा भी है, चूर चूर ना कैसे लग रहे हैं? सुंदर है ना? कमेंट में बताना, फिर हम मंगा देंगे आपके लिए, कमीशन लेंगे। ये दिल्ली से ही लिया है मैंने, इसमें से चूड़ियाँ कम कर दी हैं, ये बाकी बहुत बड़ा है, मेरे हाथ में नहीं आता। अच्छा और भी बड़ा था नहीं? हाँ मैंने इसमें चूड़ियाँ, छह से चूड़ियाँ निकाल दी है मैंने, छह हाथ से और छह हाथ। अभी आवाज़ नहीं निकलती गले में से ना, बहुत ठंडा पानी से। माइक नहीं है ना, इस वजह से माइक नहीं लगा रहा था। बहुत मंगाया आपने? ये थे आलू का कुलचा, ऐसे मिक्स, ऐसे आलू। ये प्याज देखने में तो बड़ा लजीज लग रहा है। आलू वाला मैं खा चुकी हूँ, वो टेस्टी है। अब हम ये तो एक ही बहुत है, इससे तो एक ही इस आज के खाने का रिव्यू दे देती हूँ। हमने सरी कुलचा जो मंगाया, एक आलू और एक पनीर और एक और आलू, तो कुलचा जो है करारा नहीं था। मैंने पहले खाया था लास्ट टाइम जब आई थी, तो उनका कुलचा बिल्कुल क्रिस्प था, बहुत क्रिस्पी था। और उनकी इमली की जो चटनी है ना, वो भी बड़ी मस्त थी, मतलब पेट नहीं, पेट भर रहा था, मन नहीं भर रहा था। और मिक्स वेज जो मंगाया, मिक्स वेज भी इतना टेस्टी नहीं है जितना एक्सपेक्टेशन थी। तो यह है मिर्च मसाला पंजाबी ढाबा, उसका मत खाना, लेकिन लजीज पंजाबी ढाबा उसका ट्राई कर लेना, वो हमने ट्राई किया हुआ है। तो भैया इस बार अमृतसर में ना अपने छालों से बड़ी परेशान हो गई। मैंने अच्छा वो आलू का पराठा खाया, इतना ज़्यादा दुखी हो गई कि मेरे छालों में कुछ भी खा रही हो ना वो ही लग रहा है, बिल्कुल भी इतनी अच्छा से कुछ भी खाना चाह रही थी, कुछ भी नहीं खा पा रही। जितनी मेरी भूख थी ना, उससे तो बस एक की रोटी खा पाती, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। और अभी डॉक्टर ने जेल जो दिया है वो जेल लगाऊंगी, कल केमिस्ट से जो लिया था, डॉक्टर से नहीं लिया था, केमिस्ट से लिया था, तो वही लगाऊंगी। अभी लगा के भी आई थी मैं, लेकिन थोड़ा सा सुन हुआ, लेकिन अभी एक बार में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी होटल पहुँच के फिर लगाऊँगी।